दैट इज ड्यू टू इंटरनल कॉजेस. आज हम पैराटोनिक मूवमेंट की बात करते हैं, दैट इज ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से होती है. किस वजह से? एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से. इसके लिए फर्दर टू टाइप्स हैं और पहली टाइप है ट्रोपिक मूवमेंट्स. कौन सी है? ट्रोपिक मूवमेंट्स. ट्रोपिक यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ट्रोपस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू टर्न, किस चीज का मुड़ जाना, कर्व, झुक जाना किसी की तरफ. तो अब अगर इसके हवाले से बात करें तो इट इज दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच प्लांट ऑर्गन्स या तो टर्न करेंगे टूवर्ड्स द स्टिमुलस या अवे फ्रॉम स्टिमुलस. समझ आ गई? अगर स्टिमुलस की तरफ टर्न करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट का नाम देंगे. और अगर स्टिमुलस से अवे टर्न करेगा होल ऑर्गन जो प्लांट का है, तो फिर उसको हम किस चीज का नाम देंगे? नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट का नाम देते हैं. इसकी फर्दर फाइव टाइप्स हैं. पहली टाइप है फोटो ट्रॉपिक मूवमेंट. फोटो आपको पता है लाइट से लिया गया. ट्रॉपिक का मतलब है टर्न करना. मूवमेंट इज द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट. किसी भी प्लांट ऑर्गन का जिसकी वजह से मूव करना स्टिमुलस ऑफ लाइट की वजह से, उसको हम किस चीज का नाम देते हैं? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का नाम देते हैं. जैसा कि प्लांट के जो स्टेम हैं वो लाइट की तरफ मूव करते हैं, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. जबकि रूट नीचे सॉइल की तरफ जाती है, लैंड की तरफ जाती है, अवे फ्रॉम लाइट जाती है, वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होती है. इसके बाद थिग्मोट्रॉपिज्म है. थिग्म टच को बोलते हैं, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ टच. जैसा कि ये बेले वगैरह अंगूर की बेल होगी या इसी तरीके से दूसरी बेलें जितनी भी हैं, ये जब किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ इन कॉन्टेक्ट करती हैं, जैसा कि इस तरीके से, तो इसकी जो अपोजिट साइड वाली साइड है इसकी ग्रोथ रैपिड हो जाती है और इस तरीके से वो इसके गिर्द बल खाकर ऊपर चढ़ जाती है. दिस क्लाइंबिंग ऑफ वाइंस इज द एग्जांपल ऑफ थिग्मोट्रॉपिज्म. इसके बाद अगली टाइप है कीमोट्रॉपिज्म. जैसा कि लफ्ज़ से बात है, कीमो लफ्ज़ किससे लिया गया? केमिकल्स. इट इज दैट टाइप ऑफ मूवमेंट विच इज इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ केमिकल्स की वजह से जो होगी, उसको हम जिस इसका नाम देंगे कीमोट्रॉपिज्म का नाम देते हैं. आज चैप्टर नंबर 8 पार्ट 1 में हमने ये बात पढ़ी हुई है कि फंगस के जो हाइफी हैं ये ग्रो करके सबस्ट्रेटम में जाती हैं, तो ये उनका फंगस के हाइफी का सबस्ट्रेट के रूप में जाना, सबस्ट्रेट के अंदर दाखिल होना, ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म कहलाएगा. उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोट्रॉपिज्म. हाइड्रो किस लिए गया? वाटर से. तो इट इज दैट टाइप ऑफ मूवमेंट विच इज शोन बाय प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ वाटर. किसकी वजह से? वाटर की वजह से. अगर इसके मतलब हम बात करें तो इसमें भी रूट साइड जार वाटर की तरफ मूव करती हैं, तो वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है. जबकि स्टेम अपोजिट तरफ जाता है, वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है. इसके बाद नेक्स्ट है जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविट्रॉपिज्म. जियो अर्थ को बोलते हैं, ग्रेवी ग्रेविटी को बोलते हैं. तो इट इज दैट टाइप ऑफ मूवमेंट विच इज रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी. फॉर एग्जाम्पल रूट का नीचे की तरफ जाना पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, स्टेम का ऊपर की तरफ मूव करना नेगेटिव जियो ट्रॉपिज्म है. ये थी फाइव टाइप्स इस चीज की ट्रॉपिक मूवमेंट. इसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप है पैराटोनिक मूवमेंट, जिसका नाम है नास्टिक मूवमेंट. तो नास्टिक मूवमेंट क्या है? ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है. जैसा कि देखिए लाइट की तरफ ट्रॉपिक मूवमेंट में वाटर की तरफ क्या मिले कर रही है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होगी और किस स्टिमुलस की वजह से, एक्सटर्नल की वजह से जब उसकी मूवमेंट होगी तो उसका नाम लेंगे नास्टिक मूवमेंट का नाम लेते हैं. अब इसकी फर्दर टू टाइप है, एक निक्टिनास्टी है, एक हाइप्टोनास्टी है. जो निक्टिनास्टी है शोन बाय ऑर्गन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, और ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है ये डिफरेंशियल ग्रोथ चेंज का बायस बनती है. उसकी वजह से प्लांट के अंदर एक तो ट्रिगर प्रेशर में तब्दीली आती है और दूसरा ग्रोथ में तब्दीली आएगी. इस निक्टिनास्टी के आगे फर्दर टू टाइप है ऑन द बेस ऑफ स्टिमुलस की बेस के ऊपर. फोटोनास्टी है, स्टिमुलस ऑफ लाइट की वजह से, जैसा कि ओपनिंग एंड कोई था, इसका स्पेशली जो डिपेंड है वो फोटो पीरियड के ऊपर है. इसके ऊपर है फोटो, दिन के दौरान ये के ऊपर है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर जो है लाइट इंटेंसिटी के लिहाज से कुछ प्लांट में फ्लावर ओपन और क्लोज होते हैं. जैसा कि कुछ पौधों के आप देखते हैं कि दिन के वक्त फ्लावर खिल जाते हैं, शाम के वक्त बंद हो जाते हैं जैसे लाइट खत्म होती है, तो ये फोटोनास्टी है. इसके बाद दूसरी टाइप है थर्मोनास्टी. इसका डिपेंड किस बात के ऊपर? कौन सा स्टिमुलस टेम्परेचर है जिसमें फ्लावर जो ट्यूलिप के हैं
उनकी पेटल्स ओपन और क्लोज होती हैं, जैसे ही एडिट टेम्परेचर बढ़ता है ओपन हो जाती है और जैसे टेम्परेचर कम होता है क्लोज हो जाती है। इसके बाद लास्ट मूवमेंट हेप्टोनास्टिक है, इसमें स्टिमुलस फोर्स की टच है। इस पर आपने एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 12 पार्ट फर्स्ट में पढ़ा हुआ है, एक्शन ऑफ वेनस फ्लाई ट्रैप, वहाँ पर हमने बात की थी इंसेक्टिवर्स प्लांट के अंदर, तो उसका जो एक्शन है ये हेप्टोनास्टिक।